हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। दोस्तों, जो लेदर का बॉल होता है वो स्विंग करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि स्विंग क्या होता है, स्विंग कैसे होता है, स्विंग होने का तरीका क्या है, और दोस्तों साथ ही साथ में एक जो रबर बॉल होता है वो स्विंग नहीं करता, तो किस तरीके से आप जो है एक रबर बॉल को या फिर टेनिस वाली बॉल को स्विंग करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि स्विंग क्या होती है। तो जब हम एक बॉल को फेंकते हैं, जब हम एक बॉल को डिलीवर करते हैं, उस वक्त बॉल टप्पा खाने के बाद में बैट्समैन के पास पहुंचने से पहले अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट होती है। यानी कि बॉल टप्पा खाकर बैट्समैन के पास में बिल्कुल सीधा ना जाने की बजाय टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा घूमती है हवा में। उसी चीज को दोस्तों बोलते हैं स्विंग। दोस्तों, दूसरा और बड़ा सवाल यह है कि जो बॉल है वो स्विंग क्यों करती है, और सिर्फ लेदर की बॉल है वो ही स्विंग क्यों करती है, रबर वाली बॉल जो है वो स्विंग क्यों नहीं करती। तो दोस्तों, बॉल के स्विंग करने का जो रीजन है वो बेस्ड है साइंस के सिंपल रूल्स के ऊपर, साइंस के सिंपल लॉज के ऊपर, बिल्कुल जो है फिजिक्स लगता है इसमें। यानी कि जो बॉल है उसका पाथ इस तरह से घूमने में सारा साइंस का हाथ है। दोस्तों, आपने क्रिकेट मैचेस के दौरान देखा होगा कि जो गेंदबाज है, जो बॉलर है, वो बॉल को हमेशा रगड़ते रहते हैं, वो उसको अपने क्लोथ से रगड़ते रहते हैं या फिर अपनी ड्रेस के ऊपर उसको रगड़ते रहते हैं और उसको चमकाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये जो है इसलिए किया जाता है ताकि उनको गेंद से ज्यादा स्विंग मिल सके। दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बॉलर्स हैं वो बॉल को हमेशा एक ही साइड से घिसते हैं, हमेशा जो है एक ही तरफ से उसको चमकाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपके बॉल का सीम है, तो वो या तो इस साइड को चमकाएंगे या फिर इस वाली साइड को चमकाएंगे। और दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि जब आपकी बॉल के दोनों जो हिस्से हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि एक तरफ आपका जो हिस्सा है वो आपने चमका दिया, बिल्कुल स्मूथ कर दिया, और जो दूसरा हिस्सा है वो पुराना होने के कारण अभी भी काफी रफ है। तो जब ये जो बॉल है ये हवा में ट्रेवल करती है काफी तेज रफ्तार से, तो जो रफ वाला एरिया है उसके साथ में जो एयर कॉन्टेक्ट में आती है वो थोड़ी उसके साथ में ज्यादा घूमती है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जो स्मूथ वाला हिस्सा होता है वहां पर जो है हवा जो है थोड़े अच्छे से कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती, इसी की वजह से जो बॉल है वो हवा में ही अपने पाथ से डेविएट करती है। तो इस तरीके से हमारी जो लेदर की बॉल होती है वो स्विंग करती है। लेकिन दोस्तों, हमें जो दिक्कत आती है वो आती है रबर की बॉल के साथ में या फिर टेनिस की बॉल के साथ में, जो कि लेदर की बनी हुई नहीं होती। और दोस्तों, ये जो बॉल होती है इसको एक तरफ से चमकाना बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पूरी बॉल जो है वो रबर की बनी हुई होती है। आप इसको कितना भी घिस लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप एक साइड को रफ कर पाएंगे और दूसरी को उसके कंपैरिजन में स्मूथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन दिखाना चाह रहा हूं, जिससे कि आप रबर की बॉल या फिर टेनिस बॉल को भी जो है स्विंग करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो तरीका है इसको आप सिर्फ आपस में खेलने के लिए ही यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी टूर्नामेंट वगैरह में खेल रहे हैं तो आपको अलाउड किया जाएगा इस तरीके के साथ में। लेकिन आप जो है अगर फ्रेंडली खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है स्विंग का मजा ले सकते हैं एक रबर बॉल के साथ में। करने के लिए क्या हमें चाहिए होगा? तो दोस्तों, हमें जिस चीज की जरूरत होगी वो है फेविकोल। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं फेविक्विक का। और दोस्तों, इसकी हेल्प से हम इस बॉल की जो एक साइड है उसको बनाएंगे स्मूथ, और स्मूथ बनाने के लिए हम जो फेविकोल है उसको लगाएंगे इस बॉल के ऊपर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहीं पर। और दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये जो ट्रिक है, ये मैंने इस्तेमाल कर चुका, मैं इसको पहले इस्तेमाल कर चुका, मुझे मालूम है ये जो चीज़ है काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, ये जो चीज़ है बिल्कुल अच्छे से काम करती है। लेकिन हो सकता है आपके टूर्नामेंट में अलाउड नहीं हो, तो वो जो है दूसरी बात है। तो इसके लिए हमें जो फेविकोल है उसको इस बॉल के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा लगता है टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए ये जो है निकल नहीं रहा, तो इस तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर। और आप जो है इसको एक किसी प्लेट में डाल सकते हैं फेविकोल को, उसके बाद भी बॉल के ऊपर लगा सकते हैं। और दोस्तों, हमें जो ये फेविकोल है इसको बॉल के आधे हिस्से के ऊपर ही कवर करना है। ध्यान रहे, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको आधे हिस्से पे ही लगाना। आप देख सकते हैं जो बॉल है, मैं उसको आधे हिस्से के ऊपर फेविकोल को लगा रहा हूं। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेविकोल का यूज़ भी हमें यहां पर नहीं करना, वरना फिर हमारे लिए ही जो है दिक्कत होने वाली है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लगभग इस बॉल के आधे हिस्से पर लगा दिया है फेविकोल, और आप देख सकते हैं कि इस अभी जो ये बॉल है एक तरफ से थोड़ा सा वाइट आपको दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ से जो है थोड़ा सा रेड दिखाई दे रही होगी। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर और लगाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, अभी जो है आधा कवर नहीं हुआ है। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली आधा पार्ट इसका कवर करना है। आप जितना अच्छे से आधा पार्ट कवर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ये जो है फेविकोल लगाने के बाद में अब हम इस बॉल को सूखने देंगे पूरी रात। रात भर के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम 4 से 5 घंटा तो आप इसको छोड़ ही दीजिए। अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप फेविकोल की जगह यूज़ कीजिए फेविक्विक का,
क्योंकि वहां पर आपको 5 से 10 मिनट में जो है आपकी बॉल सूख जाएगी और आप उसको खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस बॉल के सूखने के बाद होगा ये कि जो एक साइड है जहां पर हमने फेविकोल लगाया है वो साइड स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि जो फेविकोल होता है वो बिल्कुल इसको कवर कर देगा। वहीं जो हमारी जिस साइड पे हमें फेविकोल नहीं लगाया है वो पहले जैसी रहेगी, रफ रहेगी। और दोस्तों इस बॉल को डिलीवर करते टाइम, खेलते टाइम जब ये सूख जाएगी उसके बाद में हमें इसको अलोंग द इस जो बाउंड्री है वहां पर पकड़ना है, यानी कि हम इसको अगर इस तरीके से ग्रिप करेंगे यहाँ पर उंगलियों के बीच में, तो एक हिस्सा जो है एक तरफ वाला हिस्सा वो होना चाहिए फेविकोल वाला और एक तरफ वाला हिस्सा जो है वो हमारा नॉर्मल वाला हिस्सा होना चाहिए, तभी आपकी बॉल स्विंग करेगी। अगर आप इसको इस तरीके से डिलीवर करेंगे कि कभी फेविकोल आ रहा है कभी जो है हमारा ये कपड़े वाला हिस्सा आ रहा है, तो बॉल जो है स्विंग नहीं करेगी। आपको इसी तरीके से इसको पकड़ना होगा, इस तरीके से आपको जो है इसको ग्रिप करना होगा। तो दोस्तों अब इसको हम रख देते हैं, लगभग मैं रखूंगा इसको 4 से 5 घंटे के लिए और उसके बाद में जो है मैं इसको खेलने के लिए यूज करूंगा। दोस्तों कुछ लोग फेविकोल की जगह टेप यूज करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों टेप अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही स्ट्रोक्स में आपकी जो टेप है वो उखड़ जाएगी और आपका जो मजा है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप या तो फेविकोल का यूज कीजिए या फिर फेविक्विक का यूज कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्विंग का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ब्लेड एक्सवाईजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों वहां पर जो मैं वीडियोस डालता हूं वो डालता हूं चीजों की कटिंग से रिलेटेड। वहां पर मैंने आपको दिखाया है कि लेदर की क्रिकेट बॉल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और हाल ही में जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने दिखाया है कि जो रबर वाली बॉल्स होती है जिसमें कि टेनिस बॉल आती है, फ्लैश वाली बॉल आती है, इनके अंदर भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।